आपसे कुछ ले नहीं सकते हम। आपने आपने इतना बड़ा ऐसा काम किया हुआ है, आपने तो उस हमारे बारे में तो सबके बारे में बोला। अरे तुम ये चीज तो देख लेते ना, कहीं गुड़िया रानी के बारे में भी आपने बोला कि पापा बच्चों का इफेक्ट बोल रहे हो आप कि आप अपने बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हो, अपने बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हो, मतलब ये तो बहुत बड़ा अपने आपको ऐसे एटीट्यूड से भरा हुआ है। नहीं आएंगे भैया, 1000 व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे वो बात की बात है। आप ये चैलेंज दे रहे हो हमारे को, भैया हमारा नाम लेना छोड़ते तो इनको जनता कौन जानता है। अरे आपको कौन जानता था, जानता था कोई आपको? 3 साल पहले 4 साल पहले कौन जानता था आपको? जनता आपकी बिकी हुई है क्या? आपकी बिकी हुई है तो आप बता दो, आप जो इतनी एटीट्यूड में बात कर रहे हो। उनके बारे में जितना जिक्र करेंगे, इनके बारे में जितना हम बोल रहे हैं, उनको तो ग्रोथ ही मिल रही है, तो फायदा क्या है इसका? फालतू में उन लोगों को ग्रो कराओ भाई, जिनको भाई जिनका कोई कंटेंट नहीं है। मतलब समझ रहे हो कि क्या दिखा रहे हैं भाई, क्या बना रहे हैं वो लोग, क्या मतलब कुछ है नहीं बस। मतलब हमारे लिए बोलना, पल ठकराल के फर्स्ट हस्बैंड जो हैं ये रिप्लाई कर रहे हैं पारस ठकराल की लास्ट लाइव को लेकर, तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में रिप्लाई कर रहे हैं। आपको हमारे चैनल से भी आपको प्रॉब्लम होगी, लिंक का चैनल क्यों बन गया भाई? चैनल बना लिया हमने, चैनल बनाया हमने, हम अपने गुड़िया के लिए चैनल बना लिया, मतलब उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी? क्या प्रॉब्लम है भाई बताओ? हमने आपका कौन सा ऐसे कौन से कंटेंट बना लिया आपके नाम से जो आपके नाम से व्यूज ला रहे हैं भाई? हमने तो आपसे बोला ही नहीं है, उस जो शख्स बोल रहे हैं उसके बारे में तो मैंने बोला ही नहीं है। मेरे जितने भी कंटेंट है आप देख सकते हो, मैंने कभी आज तक उस शख्स का नाम ही नहीं लिया। तो गाइस वो फेमस यूट्यूबर क्या कह रहा है कि हमारे नाम से ही व्यूज आते हैं और हमारा नाम लेना बंद कर दे तो इनके कंटेंट पे 1000 व्यूज भी नहीं आएंगे। ये सब बातें बहुत सी बातें बोली और घटिया लैंग्वेज यूज करके, मतलब ये गाइस जैसा कि पारस ठकराल ने अपनी लास्ट लाइव में कोमल ठकराल के फर्स्ट हस्बैंड को लेकर बात की थी और इनको रिप्लाई भी किया था, तो इसी बात पर कोमल ठकराल के फर्स्ट हस्बैंड काफी ज्यादा गुस्सा नजर और इन दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी भी बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ कोमल ठकराल के फर्स्ट हस्बैंड भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो इसी तरह से अपनी बात को आगे रखते रहेंगे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि आने हर न्यू अपडेट आप तक यूं ही पहुंचती रहे।